में जा रहे हैं चैप्टर मोशन, ठीक है, क्लास नाइन्थ का। ओके, मोशन हम जनरली क्या कहते हैं, एनीथिंग मूविंग इज कॉल्ड मोशन, कुछ भी मूव हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कह देते हैं जनरली तौर पे, ठीक है। लेकिन हम दो एक्सेप्शन कोई केस देखते हैं। पहला क्या है हमारा, ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्टिव पोजिशन, ठीक है। मैं ट्रेन में बैठूँ, मेरे सामने आप बैठो, ठीक है, तो हम दोनों मोशन में नहीं है, अंडरस्टूड। अब हमारा क्या आता है, रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट यू आर इन मोशन। अब मैं ट्रेन के बाहर चला गया और आप ट्रेन के अंदर, तो मेरे अकॉर्डिंग आप मोशन में हो क्योंकि ट्रेन मोशन में, अंडरस्टूड। अब हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज एक्चुअली मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजिशन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कंटिन्यूसली चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, तो अगर कोई चीज़ है या कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, वो मोशन में है, ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है, और कंटिन्यूसली मूव कर रही है कोई रिस्पेक्टिव पोजिशन में या कोई मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमारे पास जनरली टू टाइप्स ऑफ मोशन है, पहला यूनिफॉर्म मोशन है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मोशन हमने दो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, पहला क्या था, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेट्स अस्यूम द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली इज 100 किलोमीटर। ओके, अगर आप जा रहे हो तो मान लो आप 1 आवर में 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करो, नेक्स्ट 1 आवर में 25, नेक्स्ट 1 आवर में 25 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 25 किलोमीटर। तो ये देख के हम क्या लिख सकते हैं या देख के हम क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अ बॉडी मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मतलब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर, जैसे यहाँ देखो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, 25 किलोमीटर एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी इक्वल है, इंटरवल ऑफ टाइम क्या हमारा 1 आवर, अंडरस्टूड। तो ये हमारा क्या कह सकते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। अब दूसरा टाइप का था, सॉरी, इट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, अब दूसरा हमारा कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देखते हैं, जैसे मान लो फिर से आगरा और दिल्ली के डिस्टेंस, आगरा और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस क्या हमारा 100 किलोमीटर, लेकिन इस में केस हम चेंज कर रहे हैं क्या, जैसे आप 1 आवर में 50 किलोमीटर जा रहे हो, नेक्स्ट 1 आवर में 25 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में आप 0 किलोमीटर रेस्ट कर रहे हो 1 आवर, ठीक है, कहीं सो गए पेड़ के नीचे, नेक्स्ट 1 आवर में 25 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो हम ये देख के क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस हमारा ये होगा 50 किलोमीटर, कभी 50 जा रहे हो कभी 25 किलोमीटर ट्रैवल करो, कभी रेस्ट कर रहे हो आप 0 किलोमीटर पे, ठीक है, या कभी आप 25 से 25 किलोमीटर जा रहे हो, लेकिन ये हमारा क्या, ये अनइक्वल डिस्टेंस है क्योंकि आप पहले 50 जा रहे हो फिर 25 फिर रेस्ट कर रहे हो 25 किलोमीटर आ रहे हो, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या हमारा सेम है जो हमारा 1 आवर है, ठीक है। तो इससे हम यही कह सकते हैं वन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेट्स इसे हम समझते हैं एग्जांपल के और से देखो, जैसे हमारा हमें जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम जा रहे सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो हम ए टू बी पहुंच जाएंगे, वो हमारा क्या है पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, जैसे मान लो ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहीं भी ऐसे ऐसे कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन जो पूरा हम जाएंगे ऐसे 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 ये सब क्या प्लस होगा, ठीक है, तभी तो जाके हमारा डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज मीटर, और ये हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन
ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो हमें ये दे रखा है, हमें कोई मतलब फिगर दे रखी है, हमें ए टू बी, बी टू सी जाना है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, ए टू सी, क्योंकि ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बाकी हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि हमें अभी पढ़ा था एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, तो ये हमारा क्या पूरा लेंथ ही है, तो डिस्टेंस। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, हमने फोर का स्क्वायर 16 और थ्री का स्क्वायर 9, हमने ऐड किया दोनों को तो 25 आया। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट पहुँचेगा, और 25 का रूट क्या होगा, 5। ओके, तो ये हमारा क्या है, 5 मीटर, ये हमारा 5 मीटर। तो लेकिन अब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखें, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ये और ये ऐड होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेस डिस्टेंस। ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन हमारी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही दिख रहा है, अगर ऐसे आए तो हमें लेंथ ही पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर, लेकिन ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, अभी मैंने बोला, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, एक हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पूरे सर्कमस्टांसेस से पूरे में पूरा हमें ये पता चला कि स्ट्रेट लाइन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने ये देखा, ये हमारा ए टू सी हमें निकालना, तो हमने पूरा स्ट्रेट लाइन डाल दिया, तो वही हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें ए टू बी जाना, हम कहीं से भी गए, रैंडम जगह से कहीं पे गए, ये हमारा पूरा क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया, लेकिन हमें पॉइंट ए टू बी हमने डायरेक्ट लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन खींची, वो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। जैसा हमने अभी लास्ट में देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके क्या क्या मतलब हमने एग्जांपल्स भी पढ़े एक दो, चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक क्या है, सर्कल है, ठीक है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे डाला है ए, और एक पॉइंट यहाँ पे डाला है बी, और ये हमारा क्या है, रेडियस। तो हम एक केस वन लेते हैं, केस वन क्या है हमारा, हमें जाना है ए टू बी, मीन्स हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। ओके, हमें कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ना हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, 2πr। ओके, तो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2πr, तो हमारा डिस्टेंस भी यही होगा पूरा 2πr, बट हमें ए टू बी जाना है, मीन्स हमें हाफ करना है, तो हम बाय 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, πr, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, πr, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम यहाँ से तो जाएंगे नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स ये होगा जो हमारे रेडियस के थ्रू जाएगा। ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है, तो r यहाँ पे जाएगा और हमारा दूसरा r ये रहा, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड होगा। तो r प्लस r मीन्स ये r और ये r, हमारा क्या होगा, 2r, और जो 2r हमारा क्या है, डायमीटर, हमें पता है पॉइंट ए टू बी हमारा क्या है, डायमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम केस टू। अब केस टू में क्या करना है, केस टू में हमें जाना है ए टू ए, ओके, मीन्स हमें ए टू ए जाना है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस पूरा कवर करेंगे, अंडरस्टूड, पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हमारा पूरा डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सर्कमफ्रेंस ही होगा, और हमने पढ़ा है भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है हमारा, 2πr, तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस 2πr पूरा का। अब नेक्स्ट क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट किया और घूम के फिर यहीं पर आ गए। अब शॉर्ट डिस्टेंस इसमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारे यही पॉइंट है और फिर घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो हम उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो हमारा ये घर है, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे आपके ब्रदर सिस्टर,
कुछ भी कोई भी बैठे हो, ठीक है, तो आपको आपके भाई ने बुलाया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप इधर से घूम के जाओगे, यहाँ पे थोड़ा जाओगे दीवार ही बड़ी पे, यहाँ दीवार तोड़ के तो पापा आपके दांत तोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से घूम के जाना है, तो हम अगर यहाँ से पूरा घूम के जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। बट अगर हम यहीं से दीवार तोड़ के चले जाएँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और पूरा अगर हम घूम के जाते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा डिस्टेंस। अंडरस्टूड?